हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना रुपेश चावला स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग टिप्स पे। दोस्तों आज बैक टू बैक एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि है सिरोही फीमेल का। इसके अंदर कुछ फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और कुछ फीमेल है ज़्यादातर जो बच्चे वाली है जो आपको दिखाई दे रही है वीडियो के अंदर। इस फीमेल की एक खासियत मैं बता दूँ कि ये जो सभी फीमेल है वो किसान लोगों के पास डायरेक्ट दिखाई जा रही है आपको, जिसमें ना कोई मंडी का इन्वॉल्वमेंट है ना किसी फार्म का इन्वॉल्वमेंट है, तो डायरेक्ट किसान भाई की बकरियां है। तो देख सकते हैं आप बहुत बढ़िया क्वालिटी के अंदर पूरा इनका फार्म सेटअप किया हुआ है और बहुत बढ़िया क्वालिटी के अंदर इनके पास फीमेल है, मेल भी है। मुझे तो ये जो क्वालिटी लगी बहुत बढ़िया क्वालिटी लगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो सभी बकरियां है और जो इनके पिछले बच्चे हैं और ब्रीडिंग मेल है वो सभी बेचने के लिए अवेलेबल है। तो जिस किसी भाई को भी चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकता है, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, तो जहाँ से भी आपको अच्छा लगे मुझे कांटेक्ट करें। वैसे देख ही सकते हैं आप ये दो बच्चे वाले फीमेल है। इसमें जो मोस्टली बकरियाँ है वो न्यू बकरियाँ है, मतलब कोई भी बकरियाँ है इनकी ज़्यादा एज वाली बकरियाँ है नहीं। कोई फर्स्ट टाइम पे बच्चे दिए है किसी ने, कोई सेकंड टाइम पे बच्चे दिए है किसी ने, थर्ड टाइम पे, मतलब मैक्सिमम थर्ड टाइम पे है और मिनिमम जो है फर्स्ट टाइम पे है, यानी कि पट से लेकर थर्ड टाइम तक की बकरियां हैं। बहुत बढ़िया क्वालिटी की बकरियां है और जो ओरिजिनल सिरोही होती है किसान लोगों की वो बकरियां है, देख ही सकते हैं आप, क्योंकि जो ओरिजिनल सिरोही की पहचान होती है उसमें आपको वाइट धब्बे नहीं मिलते सिरोही के ऊपर और ना ही वाइट फेस मिलता है। जो प्योर बकरियाँ होती है वो होती है या तो धब्बे वाली, चॉकलेटी धब्बे वाली, या फिर चॉकलेटी जिसके अंदर कोई भी प्रकार के मतलब वाइट धब्बे नहीं होते, या फिर कोई सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर के धब्बे होते नहीं है, तो उसी में सिरोही की पहचान होती है। और दूसरी बात जो सिरोही की होती है वो लद्दाख, जो कमर के लद्दाख है वो देख सकते हैं आप, सभी बकरियों की अच्छी खासी लद्दाख है और जो सभी बकरियाँ उनका अच्छा खासा वेट है। तो जो भी अपने भाई लोग हैं और किसान लोग हैं जो न्यू फार्मर है वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो फार्म होता है वो बकरियों से ही स्टार्ट होता है। बकरे बहुत कम लोग हैं जो बकरे से स्टार्ट करते हैं और बकरों से स्टार्ट करना भी नहीं चाहिए। जो भी न्यू फार्मर है उनको मैं तो यही सलाह दूंगा कि अपना जो फार्म है वो फीमेल से ही सेटअप करें ताकि आने वाला प्रॉफिट उनको मिले। और जो एक्सपीरियंस है गोट फार्मिंग के अंदर मेन चीज़ होता है किसी भी बिजनेस के अंदर या फिर कोई सा भी काम करो उसके अंदर एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपको फीमेल से आएगा, मेल से नहीं आएगा। आप इनके थन देख सकते हैं और थन देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो दूध की कैपेसिटी है वो सिरोही की बढ़िया है, जो नॉर्मल सिरोही होती है उनसे इनकी अच्छी है दूध की कैपेसिटी। नॉर्मली आप मान के चलो जो इनकी कैपेसिटी है दूध की वो 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर के समथिंग भी दिन का दूध हो जाता है इनका। बाकी आप अगर फीडिंग पे खिला रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है कि कैसा आप इनको फीड दे रहे हो, किस तरह से आप इनको रख रहे हो, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है बकरियों का दूध। बाकी नॉर्मली है जो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी लेके जा रहे हो जैसे आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है तो वो है कि उन पे आप अगर खर्चा करो फीडिंग पे तो वो आपको रिजल्ट अच्छा देगी। नॉर्मली अगर गलत क्वालिटी लेके जाओगे आप उन पे खर्चा करोगे तो वो कितना भी आप खिलाओ लेकिन वो कभी भी उतनी अच्छी क्वालिटी और अच्छी अच्छी ग्रोथ नहीं देगी बकरियों की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगला वीडियो अपना बहुत जल्द आएगा जो भी सिरोही पे सोजत पे कोई सी भी क्वालिटी पे आ सकता है, अभी उसका फिक्स नहीं है। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि किसान लोग फार्म करना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।